एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। झांसी अग्निकांड के बाद बांदा में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पहुंचे जिले के आला अधिकारी, अग्नि सुरक्षा उपकरणों का किया निरीक्षण। शुक्रवार रात झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में शासन ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को अस्पतालों का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में बांदा में डीएम नागेंद्र प्रताप, एसपी अंकुर अग्रवाल और एडीएम राजेश कुमार, एएसपी शिवराज ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एनटीवी टाइम के लिए बांदा यूपी से वनी सिंह की रिपोर्ट। आपने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है सर, क्या देखा है, क्या निर्देश दिए हैं? जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो फायर के उपकरण लगे हैं उनकी क्रियाशीलता की जांच कर ली जाए जिला अस्पताल में। तो हम एडिशनल साहब फायर से अधिकारी मौके पे जांच कर रहे हैं। इनके यहाँ फायर उपकरण लगाए जा रहे हैं, उसका टेंडर हुआ था, एक्सटिंग्विशर उसका काम कर रहा है और जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि वो क्रियाशील हैं कि नहीं। उसमें से जो भी ऐसे हैं जो अक्रियाशील दिख रहे हैं उसको तत्काल जो है पुनः रिफिल कराने के लिए कहा गया। सर, अभी बच्चा वार्ड में आपने देखा है कि वहाँ पर कोई फायर का उपकरण नहीं मिला, क्या निर्देश दिए हैं? बच्चा वार्ड के बगल जो दूसरा वार्ड है प्राइवेट वार्ड, वो दोनों अंदर से कनेक्ट है, इसीलिए इनका लोगों का कहना है कि दोनों में एक ही फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे दोनों में काम चल सकता है। तो क्या आपने निर्देश दिया है कि वहाँ भी एक और लगा लें जिसमें बच्चा वार्ड में भी एक फायर एक्सटिंग्विशर लग जाए?